तमाम स्पोर्ट्स न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बाखबर रहें। हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेशनल टी20 के हर मैच के बाद इस वक्त मैं दोनों मैचेस के रिकैप करूंगा और साथ साथ टॉप परफॉर्मर्स भी, ताकि आपको पूरे दिन का एनालिसिस मिल जाए। तो आप ज़रूर डेली भी इसको विजिट करें, चाहे रात में या जब आप सुबह उठें। तो जरा नेशनल टी20 में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ने आज दूसरी कामयाबी हासिल की और दोनों ही 4 पॉइंट के साथ इस वक्त सर फहरिस्त हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद नादरन का के 2 पॉइंट्स हैं तीसरे नंबर पर, सेंट्रल पंजाब के भी 2 पॉइंट्स हैं, वो भी जो है वो चौथे नंबर पर है। पर सदरन पंजाब और बलोचिस्तान इस वक्त कोई अपना पॉइंट हासिल नहीं कर सके, तो दे आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और साथ साथ आज के दोनों मैचेस के हवाले से भी बात करेंगे और उसके बाद फिर टॉप परफॉर्मर पर आएंगे। तो जनाब दूसरा मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, सिंध ने नादरन को 4 विकेटों से हरा दिया। और अगर आप देखें तो लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन मुसलसल दूसरे मैच में अनवर अली की शानदार पावर हिटिंग और उन्होंने मैच को जो है वो सील किया सिंध के लिए। और इसी तरह अगर हम बात करें पहले मैच की, तो जनाब रिजवान और उनकी टीम खैबर पख्तूनख्वा छाए हुए हैं और उनकी कामयाबी हुई और इस नेशनल टी ट्वेंटी के पहले मरहले का 5वां मैच था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा ने सदर पंजाब को आसानी 7 विकेटों से शिकस्त दी और इमरान खान सीनियर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इसी तरह मोहम्मद रिजवान ने एक मरतबा फिर अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम किया। तो जनाब अच्छी फॉर्म जारी है दोनों टीमों की। और साथ साथ अब मैं अगर आपको बताऊँ तो टॉप विकेट टेकर्स, क्योंकि उसमें शाहीन शाफी थी कि 6 विकेटें 2 मैचों में, ही इज प्रूविंग दैट ही इज द नंबर 1 पाकिस्तान लिमिटेड ओवर्स बॉलर। इमरान खान की भी 6 विकेटें हैं और बड़े हैरान कुन बात है कि उनको पाकिस्तान कंसिडर नहीं करता, बट मुल्तान सुल्तान हो या नेशनल टी20 ही इज ऑलवेज प्रूविंग हिज वर्थ। हारिस रोफ की 4 विकेटें और आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, आज पूरा मैच चेंज कर दिया। आसमान कादिर की 4 विकेटें हैं, शाहनवाज धानी लुक सो गुड 4 विकेटें हैं, इसी तरह हसनैन की 4 विकेटें हैं और बाकी अगर हम देखें तो वहाब रियाज की भी और काशिफ भट्टी की 3 विकेटें। इसी तरह बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें बैटिंग के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको एक मरतबा फिर मोहम्मद रिजवान, आई थिंक कोई ऐसी फॉर्मेट नहीं है जहाँ इस वक्त वो अच्छा ना खेल रहे हो। 2 मैचों में 129 रन हैं, बाबर आजम के 94 रन हैं, खुर्रम मंदूर के 85 रन, साहबजादा फरहान के 85 रन हैं, 76 रन हैं, अखलाक के हैदर अली के 86 रन की अच्छी इनिंग्स हैं। लेकिन जो कंसर्न है पाकिस्तान के लिए जनाब, वो ये है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड टी20, वो या तो कंसिस्टेंट नहीं है या भी एक मैच में चले हैं। तो बड़ी नजरें हैं आजम खान पर, या अगर हम बात करें आसिफ अली पर, खुर्शीद शाह पर, बहुत कुछ उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इतलात कुछ ऐसी हैं कि वर्ल्ड टी20 के स्क्वाड के हवाले से नेशनल टी20 के इख्तिताम पर चेंजेस की जा सकती हैं। सो स्पेशली ये सहेब मकसूद, आजम खान, इसी तरह खुर्शीद शाह और आसिफ अली, इन पर बहुत नजरें हैं। और अगर आप अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो हैदर अली भी बल्कि इस रेस में शामिल हो सकते हैं। 2 मैचों में 66 रन है, अच्छी पावर हिटिंग भी कर रहे हैं, मैच बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। आसिफ अली के 2 मैचों में 53 रन हैं, शर्जील खान के 2 मैचों में 53 रन है, अच्छा खेले। इफ्तिखार अहमद के 2 मैचों में 46 रन हैं, इसी तरह खुर्शीद शाह के सिर्फ 2 मैचों में 45 रन हैं। और अगर हम नीचे आते जाएं तो आपके पास फिर जितने बाकी प्लेयर्स हैं, तो आजम खान के भी 2 मैचों में 34 रन ही हैं। तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। फखर जमान भी बाद 2 मैचों में 27 रन ही बना सके, हालांकि उनके वर्ल्ड टी20 में स्क्वाड में शमूलियत के इम्कान भी अभी मौजूद हैं। सिर्फ मकसूद भी 2 मैचों में 18 रन बना सके। तो अब ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस वक्त एक तरह से, चूँकि हमें थोड़ा सा ये आइडियली एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो नेशनल टी20 के स्टार प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा करें, बट एवेंचुअली ऐसा अभी तक हुआ नहीं। और दूसरी जानेब अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो कंटेंशन में हैं, जिसमें हैदर अली मुझे लगता है और खासतौर फखर जमान, तो इनको और बेहतर करना पड़ेगा। चूँकि नेशनल टी20 के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि चाहे हसनैन का अच्छा कैच हो या इसी तरह अगर हम फील्डिंग की बात करें, कैचिंग जो है वो कुछ बड़े अच्छे हुए, स्पेशली हसनैन का कैच बहुत आउटस्टैंडिंग। सो ये अब तक की जनाब सूरत हाल है। पॉइंट टेबल भी आपको बता दिया, टॉप विकेट गेटर्स भी और टॉप रन स्कोरर्स भी आपको बता दिए, और इसी तरह आज के दोनों रिजल्ट के बारे में भी आपको आगाह किया। सो देखते हैं कल के मैचेस के हवाले से अब क्या सूरत हाल बनती है। और संडे का मैच है, मैं तो मैंने आज बात की थी कि बहुत सारे क्राउड को आना चाहिए, लेकिन फिर एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बताया गया कि जनाब कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कोविड के कार्ड्स बनाना तो सबकी जिम्मेदारी है ही है यार, ये तो आप सब समझ लें। मतलब अगर आप समझ लें कि गवर्नमेंट कोविड कार्ड मान के गलती करी तो गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेफ्टी के लिए है। आपको कोविड वैक्सीन लगी होगी, आप क्राउड में जाएँ
जब जो मजमे में जाए तो तभी आपको सिक्योर समझा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं समझा सकता। बहरहाल 136 रन बने आज नॉर्दर्न की जाने से, 140 रन सिंध ने चेज कर लिए आखिरी ओवर में, मैच सील किया। सरफराज भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने आज मैच को फिनिश किया, 42 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच भी रहे। सो मुझे लगता है थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैचेस अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सिंध पंजाब इससे पहले 152 रन बनाए और फिर यकीन तौर पर केपी ने इस टारगेट को पूरा किया और ओपनिंग स्टैंड जो है वो बड़ा अच्छा दिया खैबर पख्तूनख्वा की जानब से, अगर आप देखें दोनों ओपनर्स ने। और ये बड़ा ज़रूरी है कि रिजवान और फ़खर की, फ़खर रात नहीं चल सके कि सॉरी साहबज़ादा फरहान तीसरे मिनट की शराकत में, तो रिजवान की फॉर्म बहुत अच्छी है, बाबर भी रन्स कर रहे हैं, बट नीचे वाले कब रन्स करेंगे ये है असल कंसर्न। वर्ल्ड टी ट्वेंटी स्क्वाड पर बहुत सारे सवाल उठे थे, उसके बाद नेशनल टी ट्वेंटी में चले भी तो दो मैच हुए, बट मुझे लगता है जैसे 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 ये मैचेस बढ़ते जाएंगे, अगर ये आपका मिड ऑर्डर जो कि आपने नेशनल टी ट्वेंटी के लिए सिलेक्ट किया है, सॉरी वर्ल्ड टी ट्वेंटी के लिए, अगर ये नेशनल टी ट्वेंटी परफॉर्म नहीं करेंगे भाई तो बिल्कुल उंगलियां उठेंगी, क्योंकि पहले ही सिलेक्शन मुतनाज़ा है। तो मुझे तो लग रहा है आने वाले दिनों में सिलेक्शन कमेटी खैर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करता हुआ देखेंगे, ऑलरेडी इस बारे में बहुत सारी बात हो रही है। तो जनाब ये है सूरत हाल आज की, और इसी तरह बहुत सारे मामला और भी हैं जिसपे हम थोड़ा सा आखिर में बात कर लेते हैं कि नेशनल टी ट्वेंटी के अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल क्रिकेट का मामला है वो बड़ी एक अहमियत इख्तियार करके माइकल एथरटन के कॉलम ने तो लिटरली टाइमलाइन जो है वो उस पर आग लगाई हुई है, और उन्होंने तो सीधा सीधा जो है वो क्रिटिसाइज किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आप कोई सामने तो आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लें भाई, कोई वजाहत ही दे दें, कोई जस्टिफिकेशन ही दे दें, बट ऐसी कोई चीज़ ना तो उन्होंने प्रेस रिलीज तो बनाया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि प्रेस रिलीज तो खैर मीडिया डिपार्टमेंट ने ऑब्वियसली उनके बनाया होगा पूछ के ही अपने तमाम ऑफिशल से, बट उसमें कहीं से वो कन्विंस नहीं कर सके कि एक्चुअली ये टूर कैंसिल क्यों हुआ है। स्वी के अलावा जी सिक्योरिटी रीजन उस रीजन के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, कोई थ्रेट नहीं लिखा। कंसर्न क्या होता है भाई, वो तो आपके मुल्क में भी हमले होते रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं, तो कंसर्न हमेशा उसको कवर करके और फुल प्रूफ करके आपको स्टेट के सिक्योरिटी देके मुमकिन बनाया जाता है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इन रियल हॉट वाटर्स, क्योंकि उन्होंने जैसे दास से इस चीज़ को टेकअप किया है, भाई आप सीधा लिखते हैं, पता नहीं क्यों घबरा गए, डर गए या थोड़ी शर्म आ गई मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस मुंह से मना करें, तो इस चक्कर में ब्लंडर में ब्लंडर मार दिया। मतलब आपको कहते हैं ना, एक झूठ बोल दो तो एक सच बोल दो कड़वा है लेकिन चल जाएगा, बट झूठ बोल दोगे तो उसके पाँव नहीं हो, फिर गलत बयानी के बाद भुगतना पड़ता है वो और इंग्लैंड के साथ, चूँकि गलत बात लिखती प्रेस रिलीज में आप उसकी सफाइयाँ जो है ना वो उनको देनी पड़ेंगी या लोग मांगते रहेंगे। सो बहरहाल उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ इस तरह की खुशी नहीं मनानी चाहिए कि आप देखो मॉरल विक्ट्री ले रही है, पाकिस्तान में टीम लाना बहुत जरूरी है। लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज की टीम आ सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करें नेशनल टी ट्वेंटी के दोनों मैचेस के आधार पर, आपको यहाँ अपडेट मिलेगी, रात को देखिए अगर आप उठे या सुबह देखिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए जो वीडियो में बात हो रही है उस पर कमेंट जरूर दीजिए और तो लाइक जरूर कीजिएगा या शेयर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।